कम से कम 150 से ज्यादा 150 से ज्यादा डेड बॉडी। आपको ऐसा डर भी नहीं लगता कि डेड बॉडी है गाड़ी में ऐसा? नहीं कि जो पेशेंट के लिए वेंटिलेटर वगैरह इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन, क्योंकि एम्बुलेंस का नाम उल्टा क्यों लिखा होता है? किस एंगल से लग रहा है एक्सेल में, तुम ही बताओ किस एंगल से लग रहा है ये हॉस्पिटल के पूरा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और एक बार एम्बुलेंस देख लो भाई, आज तो तुम बोलोगे भूषण भाई एकदम अलग सी चीज दिखा दी नहीं क्या। तो आज के वीडियो में ना ये एम्बुलेंस है ना एकदम जबरदस्त है, नहीं कि बाकी के एम्बुलेंस देख लो यार, लेकिन इसके अंदर जो फैसिलिटीज है, जो लग्जरी शैलेश भाई ने डाली है ना, तो वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शैलेश भाई, एक बार हाई कर दो वीडियो में। तो है ना शैलेश भाई आज हमको बताने वाले हैं कि उनकी एम्बुलेंस है ये, और उन्होंने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन की और इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज उन्होंने डाली है। क्योंकि कैसा है इसको लेकर है ना, आप ऐसा समझो कि पूरा चलता फिरता अस्पताल है ऐसा पूरा, बरोबर है ना, पूरा अस्पताल। इसके अंदर पूरी ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ जो नहीं, यानी कि पूरा डॉक्टर सहित सब कुछ इसमें जा सकता है नहीं क्या। तो चलिए एक बार शैलेश भाई से मिलते हैं। शैलेश भाई हाई इन द ब्लॉक्स, एक बार आपको हाई कर दे। तो बताइएगा इस गाड़ी के बारे में क्या क्या आपने किया है इसमें। ये फर्स्ट मॉडल है। हाँ, और ये गाड़ी लिए थे हमने 17 लाख रुपए में। ओके ठीक है, ये 3350 है ना आपका? हाँ, 3350 है। ओके, इसका पहले व्हाइट कलर था, बाद में इसका कलर रेड और ब्लैक में किया, जैसे एम्बुलेंस को सूट हो सके। बराबर, दूर से एक बार कैच एक बार आदमी देख सके, यानी 2 किलोमीटर से ही पता चल जाए कि ये एम्बुलेंस आ रही है। बराबर, और उसके बाद इंजन में कुछ बदलाव नहीं किया ना, सिर्फ कैबिन के अंदर ना, कैबिन के अंदर। हाँ, और इसके अंदर इन्वर्टर भी बिठाया है। इन्वर्टर भी बिठाया है। हाँ, पूरा यानी कि सब कुछ, कि जो लाइट की सप्लाई है। हाँ, उनको पावर मिलने के लिए, और जो रियर साइड में जो मशीनरीज वगैरह लगाई है उनको भी, सबके लिए। तो एक बार है ना हम है ना टूर करते हैं, शैलेश भाई ना हमको पूरा टूर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सटीरियर देखेंगे इसके अंदर बाहर से क्या क्या मॉडिफिकेशन की है। तो शैलेश भाई आप हमको बताओ बाहर से आपने क्या क्या किया है। बाहर से अभी फिलहाल ये लाइटिंग डाली। लाइटिंग, ओके। ये इतनी लाइटिंग डालने की क्या जरूरत है, एक ही लाइटिंग डालते तो भी अच्छा होता ना। एक लाइट भी काम बन सकता था, पर लेकिन जो एक्स्ट्रा लाइट डाली है। हाँ? इसकी वजह से एम्बुलेंस को और भी लुक अच्छा। हाँ, लुक भी और दूर से भी दिखाई देते, आदमी इम्प्रेशन हो जाते, यानी कि उसके पास बार बार देख रहा है। हाँ हाँ, और जल्दी से साइड में हो जाएगा ना। सामने की तरफ ये जो आपने ये जो हेडलाइट्स लगाए ये सब मॉडिफाई किया है ना? ओके, बम्पर भी मॉडिफाई किया है। तो देखो भाई सामने की तरफ कुछ ऐसा लुक है इसका, और साइड में आएंगे तो साइड में क्या क्या किया है। साइड में मिरर भी इसको मॉडिफाई किया है, मिरर को मॉडिफाई किया है ताकि रियर व्यू यानी कि पीछे का जो अच्छा खासा व्यू आ जाए। हाँ, पूरा डोर भी एकदम तरीके से ये किया है उन्होंने, एकदम देख लो एक बार, बड़ा सा डोर है पूरा। और उसके बाद थोड़ा सा रियर में आएंगे, ये जो आएगा ये कैबिन आएगा। ये कैबिन किसका है? ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, यानी कि जो पेशेंट के लिए वेंटिलेटर वगैरह इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन लगता है। कितने टैंक आते हैं इसमें? इसमें दो टैंक आते हैं। दो टैंक आते हैं फुल साइज, और ये उसका पाना है। हाँ, इसको वैल्व वगैरह एक्सचेंज करने के लिए ना। ओके, तो थोड़ा सा पीछे आएंगे तो यहाँ पर देखो पावले एम्बुलेंस की बैजिंग देखने को मिलती है, नंबर है पूरी तरीके से, क्योंकि इमरजेंसी के लिए डायल कर सकते हो। और ये फ्यूल टैंक, फ्यूल कैपेसिटी कितना है इसका? फ्यूल इसका 60 लीटर है। 60 लीटर का है। और माइलेज क्या देती है बेसिकली? माइलेज इसका 10 का है। और आप इतने भगतते हो, अभी तक टॉप स्पीड कितना लेके गए हो आप? वैसे तो बता नहीं सकते। नहीं, अभी एम्बुलेंस है ऑब्वियसली, इसके लिए कोई स्पीड लिमिट नहीं है पेशेंट के लिए। स्पीड लिमिट तब तभी भी 120-130 तक भी ले जाती है क्या? ओके, जैसा पेशेंट हो सके। हाँ, पेशेंट जितना सीरियस है उसके हिसाब से डिपेंड है ना पूरा। ये मुझे एक नहीं पता चला कि इसको है ना कलर करने की क्या जरूरत थी। इसको कलर करने की जरूरत ऐसे पेशेंट अपना अंदर देता है। हाँ ठीक है, उसके जो रिलेटिव देते हैं वो बाहर देखते देते हैं अस्पताल आए कि नहीं आए। हाँ हाँ हाँ, इसकी वजह से उसको तो एक बार उनको एकदम ऐसा पता ही नहीं चले, माइंड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, वो नहीं तो बोलेगा कितना दूर है वो पेशेंट, फिर से डर जाएगा नहीं क्या ऐसा। वो तो बात बराबर की, मुझको लॉजिक नहीं पता था इसका, लेकिन आज है ना एक्चुअल में लॉजिक पता चल गया कि वो पर्दे भी क्यों लगाते और कलर भी क्यों देते नहीं का। तो रियर में आते तो रियर में हाइपर नहीं होता, हाइपर नहीं होता जो रिलेटिव देते वो भी हाइपर नहीं। हाँ,
और ये रियर साइड का पूरा व्यू है, रियर में देखो भाई। बैग के लिए स्क्रीन लगाई है अपन ने, स्क्रीन लगाया है ओके। और उसके ऊपर अपना नंबर, मोम नंबर वगैरह, ऐड वगैरह होता है, हाँ वो पूरा दिखाई देता है। लेकिन इससे भी है ना लुक तो एकदम चार चांद लग जाते भाई। पीछे वाला आदमी भी देखता है। और एक्चुअली मतलब क्या इमरजेंसी के लिए ना ऐसा कुछ होना, सिस्टम एकदम इम्पोर्टेंट होना चाहिए भाई। जो आगे भी एक लाइट लगाया था, हाँ पीछे भी, हाँ पीछे भी ऐसा ही एक बड़ा लाइट डाल दिया है। पीछे क्यों डालने की क्या जरूरत थी, आगे तो है ना, आगे तो है पर हाँ। पीछे जो पब्लिक आने वाली है, हाँ पीछे भी आती, पीछे गाड़ियां देती है, उनको जल्दी से पता चल जाए कि आगे एम्बुलेंस है। हाँ, कुछ लोग तो एम्बुलेंस से भी ज्यादा तेज चलते हैं, बराबर है, उनको भी देखने को आना चाहिए कि हाँ दूर से एम्बुलेंस आ रही है बराबर। और आपकी सर्विस 24 आवर्स इनटू 7 है ओके। आईसीयू पूरा आईसीयू यूनिट है पूरे से, जबरदस्त है। यानी कि आप एकदम लगभग ऐसा मुझे बताओ कि आप तकरीबन ऐसा एक पेशेंट को अगर नासिक से दिल्ली ले जाना हो आप ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई नहीं। चलो भाई देखो एकदम। उसके बाद में हाँ एक यहाँ पे जो आइस बॉक्स है अपना, उस साइड में, इस साइड में आइस बॉक्स है जो डेड बॉडी देती है, डेड बॉडी भी कैरी करते हो, डेड बॉडी इसके अंदर पूरा आइस वगैरह आता है इसके। ओके, उसके बाद में इधर ये ट्रे है क्या, पूरा बाहर निकलता है ट्रे, ओके उसके अंदर आइस भरने का और ऊपर डेड बॉडी रखने का। डेड बॉडी आपने अभी तक कितनी डेड बॉडी लेके गए हो? बहुत बहुत, वैसे तो कम से कम 150 से ज्यादा, 150 से ज्यादा डेड बॉडीज। आपको ऐसा डर भी नहीं लगता कि डेड बॉडी है गाड़ी में ऐसा? हाँ एम्बुलेंस का काम ही है ऐसा, जबरदस्त लेवल का काम है भाई, एकदम डरावना काम होता है भाई। मैं तो ऐसा गाड़ी में बैठता भी नहीं कभी, लेकिन ऐसा कहते आदत भी और नेसेसरी भी है ना, अभी जरूरत है तो करना ही पड़ेगा ना, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हाँ बराबर है, जान भी बचती है और लेकर भी जाती है, वो तो बात पक्की बात आई। तो ऐसा कुछ इसका पूरा एक्सटीरियर है, देखो भाई एकदम जबरदस्त लेवल की गाड़ी बनाई है। अब आप केबिन दिखाओ, पहला मुझे केबिन देखना है। आप उस साइड से आओ, मैं इधर से आता हूँ। तो ये कुछ केबिन है ऐसा, केबिन भी काफी इंटरेस्टिंग है, केबिन के बारे में बताएंगे शैलेश भाई। ये जो स्टीयरिंग है, हाँ गियर बॉक्स है, पावर स्टीयरिंग है ना पूरा, पावर स्टीयरिंग है, हाँ ये अपना इन्वर्टर है, इन्वर्टर आपका रियर में जो मशीनरीज वगैरह, लाइट्स वगैरह, फैंस वगैरह, टोटल लाइट्स। एक बार चार्जिंग करने के बाद कितनी देर चलता है? वैसे तो गाड़ी चलने के बाद भी चार्ज हो जाता है, चार्ज हो जाता है गाड़ी के चलने के बाद। ओके, यहाँ पर देख सकते हो इधर नीचे इन्वर्टर है, ये आपका हैंड ब्रेक है, ये आपका बैटरी वगैरह, ओके वो सीट पूरी एडजस्टेबल होगी ना, पूरी कंफर्टेबल में। ये सायरन है भाई, बहुत खतरनाक आ जाता है इसका, हाँ ये सायरन है, साउंड सिस्टम है, साउंड सिस्टम है। और ये जो बटन है, हाँ ये टोटली जो लाइटिंग्स वगैरह उसके लिए, ओके। अरे सायरन का मुझे एक बार बताओ कितना आवाज करते हैं, कितने चार साउंड रहते हैं, और आप बचा कितने सकते हो? दो बजा सकते हो क्या? ओके, और ये जो है जो सामने वाली गाड़ी हटती नहीं, हाँ तो इसकी वजह से वो माइक में बोलने के लिए, हाँ उससे बोलेंगे। एक बार बोल के दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहता हूँ एक बार, है 1 मिनट। हेलो, हाँ आ रहा है, आ रहा आवाज। हेलो हेलो, 1 2 3 करो, हेलो 1 2 3, हाँ जबरदस्त, वो एकदम फील आता है ना, पुलिस गाड़ी वाला फील आता है ना एकदम। हाँ ये वो देखो भाई, ऐसा कुछ इसका सायरन का पूरा सिस्टम है, ये माइक है, और यहाँ पर थोड़ा ग्लव बॉक्स मिलता है थोड़ा सामान वगैरह रखने के लिए, और स्पीकर वगैरह, गाड़ी का पेपर वगैरह। मुझे तो ऐसा लगता है पेपर की कोई जरूरत भी नहीं है ना, नहीं ऐसे नहीं होता है क्या, पार में पकड़ते है क्या एम्बुलेंस को? अरे जबरदस्त, और ये इसका सिस्टम है पूरा, हेजर्ड लैंप वगैरह देखने के लिए, चार्जिंग वगैरह सॉकेट, और 5 स्पीड का ट्रांसमिशन है, 6 स्पीड है, 5 स्पीड। और यहाँ पर बेड भी बना है देखने को मिल रहा है, एक आदमी सो सके, डबल ड्राइवर चलता है इसमें, डबल ड्राइवर चल, जबरदस्त। और ये अपना फैंस की रिगार्डिंग कंट्रोल है ना पूरा, फैन वगैरह इधर, ये फैन है इधर भी फैन है, और इधर भी फैन है, पीछे भी फैन है, केबिन के अंदर भी फैन है। केबिन तो मैं दिखाना चाहूंगा, केबिन तो काफी खतरनाक वाला बना है। हॉस्पिटल का मुझे ऐसा लग रहा है पूरा एकदम लग्जरी बेडरूम ही बना दिया पूरा, पेशेंट को भी लगना चाहिए भाई, एकदम लग्जरी पे हम ट्रैवल कर रहे हैं पूरा, नहीं कैसा। तो लेट्स गो, पीछे का केबिन दिखाओ भाई मुझे। तो शैलेश भाई केबिन ऐसा ओपनिंग करो, हाँ ऐसा ओपनिंग करो, एकदम अच्छा लगना चाहिए ना ऐसा पूरा। भाई देखो ये किस एंगल से लग रहा है, एक शैलेश भाई तुम ही बताओ किस एंगल से लग रहा है ये हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम, पेशेंट को भी थोड़ा सा आराम होना चाहिए। अरे पेशेंट तो इसमें नाचना फिरना लग जाएगा। देखो ये पूरा केबिन है, केबिन के बारे में बताओ अभी कैसा कैसा है। ये जो स्ट्रेचर है, ये फोल्डिंग स्ट्रेचर है, फोल्डिंग ऑटोमेटिक फोल्ड होता है पूरा, ऑटोमेटिक बाहर खींचते तो ऑटोमेटिकली खड़ा हो जाता है, और जब अंदर डालते तो ऑटोमेटिकली फिट। और इसको निकलने के बाद अगर पेशेंट को पेशेंट को फील ही नहीं होगा, नहीं नहीं पेशेंट को तो जाने दो, लेकिन इसको कुछ सिस्टम आता है क्या, बेड में आता है ना ऐसा घुमाने के बाद, ये सब होता है ना ऊपर नीचे, वो नहीं आता है क्या? हाँ ठीक है, लेकिन ये बाहर निकलने के बाद ऐसा ऑटोमेटिकली फोल्ड होता है, उसका वीडियो मैंने बनाया वो डाल दूंगा मैं उसके। और अभी थोड़ा सा अंदर चलते तो अंदर बताओ,
ये मशीनरी के बारे में बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल। ये जो है हाँ। ये वेंटी टोटली सेक्शन मशीन है। जब पेशेंट के अंदर जो खून वगैरह एक्सीडेंटली में हो जाता है तो इसकी वजह से ये डॉक्टर बाहर निकाल सकते हैं। ओके, यानी कि अब अपना जो खराब ब्लड होता है वो निकाल सकते हैं। ज्यादा होती है अरे ये तो अपना वेंटिलेटर, हार्ट मॉनिटर वगैरह करने के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के सप्लाई। अभी टैंक देखा है आपने बाहर? हाँ हाँ हाँ। उसके ये मॉनिटर्स है, सप्लाई उसका आउटलेट है। ओके, और ये अपना बीपी वगैरह चेक करने के लिए सब पूरा पूरा सिस्टम है ना। और ये इन्वर्टर का सप्लाई है ना पूरा, ये टोटली इन्वर्टर का, 230 वोल्टेज पे चलने वाला पूरा सिस्टम है। और इसमें अभी दो तीन मशीनरी है लेकिन वो उन्होंने निकल के रखी है। और यहाँ पर देख सकते हो फैंस वगैरह भी आपने पूरा फिट किया, इतनी जरूरत नहीं पड़ती इसकी वजह से वो निकल के रखा है। और ये उसके बाद ये कैबिन का बताओ जो है, ये अपना वो बेसिंग है। हाँ, वॉश बेसिन अपने हाथ भी धोने के लिए आपको बताया था मैंने। हाँ, बटन इसका बटन इधर है, ये देखो पैर से दबाओ इसको, और इसको बाद दबाने के बाद मोटर चालू होता है और इधर अपने आप पानी आना शुरू होता है। वो हैंड वॉश है, हैंड वॉश है। ये चार्जिंग केबल है, चार्जिंग केबल यानी कि जो पेशेंट के रिलेटिव बैठते हैं इनके लिए, मोबाइल के लिए, ओके चार्ज के लिए। और यहाँ पे टावल रखने के लिए, रखने के लिए। और यहाँ पर विंडोज है, ड्राइवर को कुछ बताना होगा तो इमरजेंसी कुछ होगा तो यहाँ से खोल के आप बता भी सकते हैं। ओके ओके। अरे ड्राइवर वगैरह, ग्लव बॉक्स वगैरह, इमरजेंसी किट रखने के लिए, अपना मेडिसिन वगैरह रखने के लिए कुछ हो जाए तो। जबरदस्त कैबिन बना है भाई। अरे दो फैन, दो फैन। ये लाइटिंग का ऐसा क्यों ऐसा लगा कि भाई एम्बुलेंस में लाइटिंग लगा देते? थोड़ा सा हटके कुछ तो भी। हाँ वो भी बात है, बराबर। अभी बाकी के एम्बुलेंस में देखो तो देखो तो खाली हो गई एक दो लाइट, दो लाइट, व्हाइट लाइट, बाकी वो और भी डर जाता है वो पेशेंट तो, और भी डर जाता है। थोड़ा सा उसका माइंड चेंज भी हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। वो गाड़ी देखते रहता है थोड़ी देर, तब तक हॉस्पिटल आ जाता है भाई। देखो एकदम नेक्स्ट लेवल एम्बुलेंस शैलेश भाई की, एकदम जबरदस्त यार। एकदम एकदम मुझे जब तक मैं रास्ते पर देखता ना, यानी कि जब लाइटिंग लगा कर चलेगी ना ये रात में, तब तक एकदम खतरनाक लगेगी। सब लोग देखते हो गए ना, सब लोग रुक के पूछते, लोग देखने के लिए आते खास। जबरदस्त। ये देखो इधर भी अपने जो पैसेंजर है ना, कि जो रिलेटिव वगैरह होते हैं ना, उनको बैठने के लिए जगह है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है पूरा लाइटिंग का सिस्टम यहाँ पर लगा है। एकदम नेक्स्ट लेवल काम जो इस एम्बुलेंस में किया है भाई। लगा लो, लगा लो अभी। शैलेश भाई मुझे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है एम्बुलेंस में, क्योंकि एम्बुलेंस का नाम उल्टा क्यों लिखा होता है? ये जो नाम उल्टा इसलिए लिखा जाता है, जो सामने वाली गाड़ी जा रही है अपन उसके पीछे से जा रहे हैं, जब भी वो मिरर में देखेंगे ना तो उसको ये सीधा दिखना चाहिए। बराबर। मैं बहुत ही कंफ्यूज रहता है, मुझे ऐसा लगता है वो ऊपर से हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर आएगा, ऊपर देखेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं, ऊपर से भी कुछ ऐसा नाम भी लिखा होता है क्या? हाँ, उसको मिरर में ये, हाँ यानी कि अगर सामने कार जा रही है उसको रियर व्यू मिरर में एम्बुलेंस ऐसा लिखा है, ये पता चलना चाहिए एम्बुलेंस आ रहा है। नहीं ये तो थोड़ा सा लॉजिकली बरोबर, एकदम लॉजिकल सवाल था एक मेरा। और आपको ये ऐसा कुछ सिस्टम नहीं मिलता है क्या कोई ऐसा पुलिस के थ्रू? क्या आपको कोई स्पेशल नंबर नहीं है 102 101 ऐसा? नहीं ऐसा नंबर है। वो नंबर किन लोगों को मिलता है जो एम्बुलेंस होता है? गवर्नमेंस के लोगों को मिलता है क्या? एम्बुलेंस तो एकदम खतरनाक बना है। यहाँ पर आप नंबर देख सकते हो, नासिक डिवीजन में अगर आपको कोई भी जरूरत हो तो या इन दोनों नंबर पर आप कांटेक्ट करो और बताओ पावल एम्बुलेंस वीडियो देखकर आए हैं हम तो। ऐसा कुछ ऐसा एम्बुलेंस है 24 आवर्स x 7 24 घंटे में आप कभी भी फोन लगाओ, 24 घंटे सातों दिन ये 101% जो है आपकी चलती रहेगी। और इंस्टाग्राम पर इनका अकाउंट है पावल एम्बुलेंस सर्विसेस। आप इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह डालते हो क्या एम्बुलेंस की? हाँ वो तो काफी बढ़िया है, लाइट्स तो काफी अच्छी है। एक बार ऊपर की भी लाइट्स लगा के देखो ना, पूरा एकदम पूरा सिस्टम ऐसा। तो ये देखो ये पूरी लाइट्स वगैरह चलने के बाद है ना ऐसा। अभी थोड़ा सा दिन का टाइम है ना तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इतना दिखेगा नहीं, लेकिन रात के समय ना काफी खतरनाक दिखता है। साइड में भी देखो आप, ऊपर भी लाइट्स लगाई और नीचे भी जो है पूरी तरीके से लाइट्स है, पूरी फायर एक्सटिंग्विशर भी है, कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो वो रेडी है फायर के लिए भी। जबरदस्त शैलेश भाई, एकदम खतरनाक लेवल की एम्बुलेंस आपने बनाए, परफेक्ट है पूरा। लगेगा ही नहीं पेशेंट को कि वो एम्बुलेंस में ट्रैवल कर रहा है वो पूरा, भाई देखो एकदम। तो शैलेश भाई थैंक्स, आपने अपनी एम्बुलेंस दिखाई, समय निकाला हमारे लिए। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे को सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो और कमेंट कीजिएगा। और नंबर भी मैंने आपको दिखाया, नासिक डिवीजन में कभी भी हेल्प चाहिए तो शैलेश भाई को कॉन्टैक्ट कीजिएगा, वो आपको एनी टाइम 24 आवर x 7 कभी भी हेल्प कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।